बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं जिया साकी हूँ चश्मा साकी के साथ। आज 29 अगस्त 2022 का दिन है और इस वक्त तकरीबन दोपहर के 4 बजने वाले हैं। मैं इस वक्त तौंसा बिराज पर मौजूद हूँ और तौंसा बिराज तहसील कोटद्दू ज़िला मुजफ़्फ़रगढ़ में मौजूद है। और इस वक्त जो दरिया सिंध का सैलाबी रेला है वो तौंसा बिराज से गुजर रहा है। उसकी कितनी कैपेसिटी है, 6 लाख क्यूसेक को क्रॉस कर चुका है और आगे चलकर मैं उसका मुकम्मल डिटेल बताता हूँ। यहाँ पर मैं नाज़रीन तफसील से जानने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मैं मेरा इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी, इसको आप सब्सक्राइब करें और मेरा फेसबुक पेज जो है चश्मे साकी के नाम से, उसको भी फॉलो करें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं तौंसा बिराज की हिस्ट्री आपको बताता हूँ कि 1936 में तौंसा बिराज पर काम हुआ था, फिर 1953 में इसमें मजीद काम हुआ और फिर 3 मार्च 1959 को जनरल अयूब खान ने इसका बाकायदा इफ्तिताह किया था और बाकायदा सिंध ताश मुहदे के बाद इस जो अपना तौंसा बिराज है इसको खोल दिया गया था। और तौंसा बिराज की जो कैपेसिटी है नाज़रीन वो 10 लाख क्यूसेक किया, यहाँ से 10 लाख बयक वक्त पानी 10 लाख क्यूसेक यहाँ से अखराज हो सकता है इसका। और इस वक्त 6 लाख 3 हज़ार क्यूसेक यहाँ से अखराज किया जा रहा है और आमद भी इतनी है और यहाँ से अखराज भी इतना, तमाम नहरें बंद कर दी गई हैं। और मैं तमाम दरियाओं का डाटा आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, उसके बाद दरिया सिंध का सारा डाटा आपको बताऊँगा और उसके साथ तजिया भी करूँगा। और थोड़ा आप इसको ना इधर इस साइड पे दिखाइएगा, मतलब सारा मंजर। तो नाज़रीन दरिया चनाब में मराला के मकाम पर इस वक्त जो पानी का अखराज वो 32,924 क्यूसेक है। खान की बराज पर 34,625 क्यूसेक है। कादराबाद पर 18,025 क्यूसेक और त्रिमू बराज पर 34,170 क्यूसेक। पंजनाथ पर 42,225 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है। नाज़रीन दरिया रावी की बात करें तो जस्सर पर सिर्फ 6,353 क्यूसेक है। शाहदरा पर 14,537 क्यूसेक और बल्लो की पर 8,280 क्यूसेक और सिदनई बराज पर 8,463 क्यूसेक का अखराज किया जा रहा है। नाज़रीन दरिया सतलुज की बात करें तो गंडा सिंह पर 1,000 क्यूसेक है और सुलेमान की पर 9,105 क्यूसेक और इस्लाम पर 4,730 क्यूसेक है। और नाज़रीन दरिया जेलम की बात करें तो मंगला डैम से जो पानी का अखराज किया जा रहा है वो 10,015 क्यूसेक है और रसूल पर इस वक्त जो पानी की आमद है वो 5,800 क्यूसेक का अखराज नहीं हो रहा। ये ना इसको मनाजिर ज़रा दिखाइएगा। अब नाज़रीन मैं आपको दरिया सिंध की बात करता हूँ। खैराबाद अटक से लेकर त्रबेला डैम से लेकर दरिया काबुल से लेकर यहाँ पर जब तौंसा पर पहुँचा कितना है और चश्मा पर कितना होगा कालाबाग पर FFD की रिपोर्ट के मुताबिक। और साथ में यह भी बताऊँगा कि आगे गुड्डू सखर कोटरी पर क्या सूरत हाल रहेगी और तौंसा से आगे गुड्डू के दरमियान ज़िला रहीम यार खान, ज़िला बहावलपुर और राजनपुर और DG खान के इलाकों में क्या सैलाबी सूरत हाल रहेगी। सबसे पहले हम त्रिबेला डैम की बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन त्रिबेला डैम तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया मुकम्मल भर चुका है और वहाँ से जितना इनफ्लो होता है उतना आउटफ्लो करना पड़ता है। इस वक्त सकरदू से जो पानी का आमद 1,03,800 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 1,88,000 क्यूसेक है, बिशाम पर 2,30,600 क्यूसेक और काबुल दरिया में 2,94,000 क्यूसेक है। और नाज़रीन यह काबुल दरिया 3,16,17 या 3,20,000 क्यूसेक तक गया था, बहुत ही ऊंचे दर्जे का सैलाब था, अभी भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है लेकिन वहाँ पर पानी की सतह कम हो रही है। और त्रिबेला डैम से इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 2,68,700 क्यूसेक है और कालाबाग पर 4,06,594 क्यूसेक है और चश्मा पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 5,07,000 क्यूसेक है और तौंसा पर इस वक्त जब हम तौंसा पर मौजूद हैं तो 6,03,000 क्यूसेक इस वक्त अखराज है। आउटफ्लो इनफ्लो भी इतना है, आउटफ्लो भी इतना है, जो आप ये सारा मंजर इस तरफ आप देख सकते हैं कि 6,03,000 क्यूसेक और इसकी कैपेसिटी 10 लाख है। रात को भी बहुत सारे दोस्त कॉल कर रहे थे कि कहीं से फिर को बांधना बंद को ना ब्रीज किया जाए ये वो। भाई मेरे 10 लाख कैपेसिटी है तौंसा बिराज को, कहीं भी कोई किसी बांध को ब्रीज नहीं किया जा रहा, तोड़ा नहीं जा रहा, ये ऊँचे दर्जे का सैलाब है, बखैर आफियत यहाँ से गुजर जाएगा। और गुड्डू पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 5,09,44 क्यूसेक है और सक्कर पर 5,30,754 क्यूसेक और कोटरी बिराज पर भी 3.5 लाख पर पहुंचने को इस वक्त 3,42,373 क्यूसेक वहां से अखराज किया जा रहा है। तो नाज़रीन जो FFD की रिपोर्ट है उसके मुताबिक कालाबाग पर जो अगले 24 घंटों के लिए उन्होंने कहा कि 4.5 लाख से 5 लाख तक फिर से कालाबाग जा सकता है और चश्मा जो है अगले 24 घंटों में चश्मा 5 लाख से 5.5 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। इस वक्त चश्मा पर 5,07,000 वो कह रहे हैं कि 5.5 तक दोबारा जा सकता है और तौंसा बिराज का वो कह रहे हैं कि 5,80,000 से 6,30,000 तक जा सकता है, जबकि इस वक्त 6,03,000 पर जा चुका है। अब देखते हैं कि कितना 30-35,000 ऊपर जाता है या नहीं जाता। और गुड्डू का उन्होंने कहा कि 5 लाख से 5,30,000 तक जा सकता है और सक्खर बिराज 5,10,000 से
5,40,000 पर जा सकता है और कोटरी बिराज 2,60,000 से 2,95,000 क्यूसेक तक जा सकता है। तो नाजरीन ये डाटा था, मैं तजिए के साथ थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि नाजरीन अगर तौसा बिराज 6,30,000 पर भी जाता है, हम मान लेते हैं, तो उसके बाद तौसा बिराज से आगे जितने भी लोग हैं, जैसा कि मैं जिक्र कर चुका हूँ, सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में तो सलाबी सूरत हाल क्या बनेगी। आपकी सैकड़ों की तादाद में मुझे कॉल्स आती हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, मेरा सुबह से अभी तक नंबर पावर्ड ऑफ है, अभी मैं खोलूँगा तो ये तजिया आपको बताने जा रहा हूँ कि तौसा बिराज अगर 6:30 पर जाता है और आगे जब दरिया सिंध में जब चनाब का पानी गुजरेगा, तो नाजरीन चनाब का जो पानी है वो इस वक्त 50,000 क्यूसेक है। तो मतलब तौसा अगर 6:30 पर जाता है तो पिछली दफ़ा जो तौसा था वो 5,60,000 पे गया था और तब चनाब का पानी 1,00,000 था, तो वो लेवल आपके यहाँ गुड्डू बराज पर 5,76,000 बना था। अब जबकि तौसा 6:30 पे जा रहा है और चनाब में 50,000 है, तो मतलब उधर कम हो गया, इधर बढ़ गया, तो कुल मिलाकर सलाबी रेला वही रहेगा। आप परेशान हो, सिर्फ आधा फुट या 1 फुट तक ऊपर जा सकता है, मुझे नहीं लग रहा कि 1 फुट ऊपर जाएगा, आधा फुट जाएगा। तो अब सारा मनाजर लाइव, मैंने आपकी कुछ दोस्तों की ये फरमाइश थी कि आप तौसा पर जाकर हमें लाइव मनाजर दिखाएं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ता हद नज़र पानी का सलाबी रेला जो दरिया सिंध में है। और नाजरीन ये भी बात मैं आपको बताता चलूँ कि खैराबाद अटक से लेकर खैबर पख्तूनख्वा से लेकर जना बिराज कालाबाग चश्मा तौसा गुड्डू सखर कोटरी पर 3.5 लाख है, इन सखर तक जो सूरत हाल है दरिया सिंध की वो सारा 5 लाख कमोवेश पे है। तो ये जब सिंध में जाएगा तो इसका लेवल 5 लाख तक रहेगा, और कब तक रहेगा ये 6 से 7 दिनों तक रहेगा, क्योंकि अभी भी वो कह रहे हैं कालाबाग 5 लाख तक जा सकता है। तो जब कालाबाग से पानी गुड्डू पर जाएगा तो कम से कम 6 दिन लगते हैं, तो मतलब आपके यहाँ 6 दिन और सलाबी रेला रहेगा। आप परेशान ना हो, आप कह रहे थे 8 लाख है, 10 लाख है, मुख्तलिफ वीडियोज़ मुझे सेंड करते थे कि कोई कह रहा है कि पहाड़ों के ऊपर से पानी गुजर के आ रहा है। वो भाई इतना पानी था दरिया सवात में, जो पानी था दरिया काबुल में पानी था वो 3-3.25 लाख बना था, अब वहाँ पर कम होना शुरू हो गया और तरबेला से भी अखराज कम है। तो कुल मिलाकर दरिया सिंध के जुमला नाजरीन और तौसा से अगले जो पंजाब के नाजरीन है, रहीम यार खान बहावलपुर डी जी खान और राजनपुर के जितने लोग हैं, वो सुन लें कि पहले रेले जितना ही पानी बनेगा उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा जाएगा, 6 इंच या 1 फुट, 1 फुट भी नहीं जाएगा, 6 इंच तक जाएगा। आप बेफिक्र रहें और कहीं भी आप नकल मकानी ना करें। अगर आपने पहले नहीं की, अगर पहले रेले में आप नकल मकानी कर चुके हैं तो फिर इस रेले में भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले वाले रेले पर इसका लेवल जाएगा। तो बहुत शुक्रिया, 7 बजे फिर मैं आपको तजिए के साथ अपडेट करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके जानो माल की हिफाजत करें, अहल वयाल की, आपकी फसलात की, आपके घर मकान की, लेकिन आपने हिफाजती इकदाम करने हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से इंस्ट्रक्शन है, PDMA में पंजाब की तरफ से या PDMA में सिंध की तरफ से, उन हिदायत पर अमल करना है। महफूज मकाम पर जाना है, फ्लड रिलीफ कैंप्स में जाना है, लाइफ स्टॉक रेस्क्यू और वहाँ पर जो हेल्थ या जितने भी इरीगेशन महकमा वाले जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे वहाँ पर हाई अलर्ट हैं, आपकी मदद के लिए हम वक्त तैयार हैं। तो आपने सुस्ती नहीं करनी, इसको मद्देनज़र रख के ऊँचे दर्जे का सैलाब है महफूज मकाम पर। लेकिन जिस तरह का आप कह रहे थे 8-10 लाख का, वो नहीं है, ख़तरनाक सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ऊँचे दर्जे का सैलाब है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मैं आपको फिर 7 बजे जो ताज़ा तरीन सूरत आएगी उसमें आपको अपडेट करूँगा। अल्लाह हाफिज़।